के रीवा जिले से है, जहां आरटीओ उड़न दस्ता दिन और रात वसूली में व्यस्त है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस उड़न दस्ते में एक ही व्यक्ति होता है जो वर्दी में होता है, चाहे वह सिपाही हो या प्रधान आरक्षक, बाकी सिविल ड्रेस में वसूलीबाज तैनात रहते हैं, जिन्हें देखकर ना तो आप बता सकते हैं कि यह किस विभाग के हैं या गुंडे हैं। हद तो यह है कि पूरी रात चौराहा से रतहरा बाईपास और रतहरा से चौराहा शहर के अंदर इनकी बिलोरो फर्राटे मारती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके द्वारा कोई केस नहीं बनाया जाता, ना ही गाड़ियां जब्त की जाती, सिर्फ मौके पर ही गाड़ी मालिकों से 1500 रुपए से लेकर 2000 5000 जो जैसे मुर्गा फंसा वसूली कर छोड़ दी जाती है। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद जब हमारी टीम बुधवार की रात सिरमौर चौराहे और पीके स्कूल के बीच पहुंची तो आधा दर्जन गाड़ियां खड़ी थी जिनसे सौदेबाजी हो रही थी। जब हमारी टीम ने बाहर मालिक से बात की तो उसने बताया कि आरटीओ उड़न दस्ता के द्वारा कागजात चेक किए जाते हैं, कागजात हो या ना हो 1500 से 2000 या फिर 5000 जो जैसा वाहन है उसमें वसूले जाते हैं और छोड़ दिया जाता है। वहीं जब हमने वसूली कर रहे कर्मचारियों से बात की तो गाड़ी में बैठे साहब से मिलकर बात करने को कहा गया। गाड़ी में बैठे वाले साहब प्रधान आरक्षक थे, जो उड़न दस्ता गाड़ी में ऐसे सवार थे जैसे लग रहा था आरटीओ साहब ही जांच कर रहे हैं। इनकी इतनी सेटिंग कहें या फिर धौस कहें कि आरटीओ उड़न दस्ता की गाड़ी देखते ही चालक अपने मालिकों को फोन लगाते हैं और चंद मिनट में ही मालिक या उनके दलाल हाजिर हो जाते हैं, मौके पर ही पैसा दिया और मामला रफा दफा हो गया। आपको बता दें कि 10 मिनट के अंदर पीके स्कूल के सामने आधा दर्जन उत्तर प्रदेश पासिंग की गाड़ियां रुकी और चंद मिनट में ही उनके मालिक दलाल पहुंच गए। जब हमारी टीम ने बिना वर्दी धारी वसूली कर रहे व्यक्ति और गाड़ी में बैठे साहब से पूछताछ की तो साहब ने कहा गाड़ियों को आगे ले चलो और सभी गाड़ी और उनके मालिक साहब की गाड़ी के पीछे पीछे रतहरा की ओर चल दी, जहां गाड़ी खड़ा कर मामला रफा दफा किया गया। सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली बात यह है कि अगर उड़न स्टार रात भर घूमता है तो वाहनों के चलान क्यों नहीं काटता, जो वसूली की जाती है वह किसके जेब में जाती है? क्या आरटीओ इस पूरे कारनामे से अनजान है या जिला प्रशासन अनजान है या सबका हिस्सा बंधा हुआ है जो यातायात और आरटीओ की दिन रात चल रही वसूली को नजरअंदाज कर रहा है? अब देखने वाली बात यह है कि जिन गाड़ियों को पैसा लेकर छोड़ दिया गया था वह मामले को रफा दफा हो गई, लेकिन जिन गाड़ियों को उड़न दस्ता टीम रतहरा की ओर लेकर पहुंची थी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई या नहीं, यह आगे आपको जरूर बताएंगे। आप भी देखिए कि किस तरह से आरटीओ का उड़न दस्ता रात भर गश्त करता है और इस गश्त के नाम पर उड़न दस्ता अपना खजाना भरता है जो प्रदेश सरकार और विभाग की राजस्व हानि करता है। वहीं चौराहा से रतहरा बाईपास में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं जिसकी वजह इनकी वसूली रहती है, जिन्हें देखकर चालक भागते हैं और निर्दोषों की जान चली जाती है। गाड़ी मालिक हो भैया? गाड़ी मालिक हो आप? गाड़ी मालिक हो? हैं? कौन साहब? ट्रक वालों से ले रहे हैं, जितनी गाड़ियां छोड़े तब चेक किए, इनके पास कागज नहीं था, तो जितनी गाड़ियां भी छोड़े किसी के चलान काटे एक भी? वहां जाइए चलान देखिए। हम गाड़ी वालों से बात किए हैं ना। ठीक।
मतलब चलान चलान नहीं काट रहे हैं, इनका केस नहीं बना रहे हैं, बस अपना लिए और छोड़े 1500-2000। आप आरटीओ में हैं, उड़नदस्ता में हैं? उड़नदस्ता में हैं आप? उड़नदस्ता में हैं आप? आप उड़नदस्ता में हो, रात में चेकिंग लगाए हो, आप कौन हो? आम पब्लिक हैं हम। हम भी तो आम पब्लिक ही हैं। पब्लिक हो ना, उड़नदस्ता तो नहीं हो, फिर काहे गाड़ी रोके हो यहाँ? आरटीओ वाले रोके हैं तुम लोगों को यहाँ, काहे के लिए रोकते हैं यहाँ? यही कागज पे। और पैसा भी लेते हैं? कागज नहीं रहेगा तो पैसा लेते। कितना लेंगे? अब कागज के अनुसार लेते हैं। फिर भी लगभग लगभग अभी हाईवे के तो नहीं बता सकते, कुछ गाड़ी के लिए हैं 1500-2000। और फिर छोड़ देते हैं? क्या लोड किए हो आप लोग? हम तो गिट्टी लिए। शहर के अंदर ही लोड किए हो, कहीं बाहर ले जाओगे? अंदर ही का। कहाँ की गाड़ियाँ हैं? अरीबे की। चलो ठीक है, देखो क्या लगता है।